नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एजु टारगेट में। एक और नया वीडियो लेकर आए हैं हम आप सभी दोस्तों के लिए। ये वाला वीडियो आरआरबी जेई सेकंड जून सेकंड शिफ्ट का है, यानी कि आज की डेट में जो सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम इस वाले वीडियो के अंदर पूरे कवरअप करेंगे। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं, ये वाले सारे क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस, जीके एंड जनरल साइंस से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से हैं। तो आज की डेट में सारे क्वेश्चंस अलग अलग जोन्स में आए हुए हैं, मेरे पास में कमेंट के जरिए आए हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने ये वाले सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपके सामने एक वीडियो कंपाइल करके बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर सीबीटी सेकंड की जल्द ही सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लेक्चर वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी। काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड हो भी रखी हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक हमारी सारी वीडियोस पहुंच सके और सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1500 मीटर मेंस रनिंग कॉमनवेल्थ 2018 विनर कौन थे, यानी कि कॉमनवेल्थ 2018 गेम्स में 1500 मीटर मेंस की रेस के जो थे वो विनर कौन थे, तो वो थे जिनसन जॉनसन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन था। जिनसन जॉनसन इंडिया के ही हैं, जिनसन जॉनसन, इसलिए ये एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स के 2018 के विनर थे 1500 मीटर रेस के जिनसन जॉनसन। क्वेश्चन सेकंड पूछा गया था, फिश लीवर ऑयल रिच किस में होता है, तो डेफिनेटली विटामिन ए में होता है, विटामिन डी में भी होता है। ओके, अब ऑप्शन क्या था मेरे पास में, जिस टाइप से ऑप्शन आए हैं उस हिसाब से मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लोरीन आयन हैव हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि क्लोरीन आयन के, क्लोरीन एलिमेंट है उसके अंदर जो आयन होता है उसके अंदर लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है। अब ये आयन Cl प्लस है या Cl माइनस है या फिर से क्लोरीन एलिमेंट है। अगर क्लोरीन है देन तो 7 होगा, लास्ट एलिमेंट क्या होगा, लास्ट एलिमेंट फिर क्या होगा फ्रेंड्स, 7 होगा। अगर Cl माइनस है यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया है, उसने ले लिया है, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, देन इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर Cl प्लस आयन दे रखा है तब ये 7 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, अगर Cl दे रखा है सिर्फ तो 7 होगा, Cl नेगेटिव माइनस दे रखा है देन आपका ऑप्शन आंसर 8 होगा, अगर Cl प्लस दे रखा है देन 7 ऑप्शन होगा। डिफो ब्रिज इन इज इन विच स्टेट, कुछ इस टाइप से एक क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया। पीएच ऑफ लेमन जूस पूछा था, मैं काफ़ी टाइम से हर वीडियो में बोल रहा हूँ पीएच जरूर पढ़ के जाना है आपको, और पिछले वीडियो जो जिन्होंने मेरा देखा होगा तो डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन उन्होंने सही किया होगा। पीएच ऑफ लेमन जूस कितना बताया था मैंने, ऑरेंज एंड लेमन दोनों का अप्रॉक्सीमेटली 2.5 के आसपास ही होता है, मतलब 2.2 से लेकर के 2.5 के बीच में होता है। तो जो भी ऑप्शन हो आप कर सकते हैं करेक्ट। विच केमिकल इज इन मिल्क, तो मिल्क में कौन सा केमिकल होता है, वो होता है केसिन, प्रोटीन होता है एक, ओके केसिन, मिल्क का प्रोटीन कौन सा होता है, कैसिन होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, तो सेल वॉल मेजरली सेलुलोज से बनी हुई होती है, आपके ऑप्शन में होगा डेफिनेटली यही। विच इज़ द लेस हार्मफुल टू एटमोसफेयर, हार्मफुल एटमोसफेयर में क्या हार्मफुल कम होती है, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ डीजल, बर्निंग ऑफ चारकोल। तो ऑप्शन में कुछ मेरे पास में इस टाइप से आए हैं और फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। व्हाट इज द अनचेंज्ड इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो उसमें क्या चीज़ चेंज नहीं होती है, तो मास उसके अंदर कभी चेंज नहीं होता है। आसाम का फेस्टिवल कौन सा, एक क्वेश्चन इस टाइप से था, अब क्या ऑप्शन में क्या था आपका उस हिसाब से आप बता सकते हैं आंसर, पूछा कि यही था क्वेश्चन में, वो तो आपको याद होगा। ऑड सेलेक्ट फ्रॉम, ऑड सेलेक्ट करना था, तीन ही ऑप्शन आए मेरे पास में, आई नोज हियर, अगर ENT के हिसाब से अगर अगला थॉट था तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन जो अभी तीन में से नज़र आ रहा है वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सानिया मिर्जा स्पोर्ट्स रिलेटेड टू, सानिया मिर्जा कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो वो है टेनिस से रिलेटेड। वीडियो अभी और बाकी है फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने एक पूलिंग वोट क्रिएट करवा रखा है अपने चैनल पर, जो कि आपको मेरे वीडियोस के अगले वाले टैब के अंदर मिल जाएगा, कम्युनिटी टैब में मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर के वोटिंग कर सकते हैं, अपने वीडियोस देख सकते हैं और साथ साथ में मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है उसका भी एक वीडियो बना रखा है, जो कि आपके ही रेस्पॉन्स से बना है वो वाला वीडियो, तो अच्छे से एनालिसिस करके बनाया गया है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा जिसको भी ज़रूरत हो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन फॉर ब्लड क्लोटिंग, विटामिन फॉर ब्लड क्लोटिंग कौन सा है, के विटामिन यूज़ में होता है, विटामिन की अगर बात करते हैं तो के विटामिन यूज़ में होता है ब्लड क्लोटिंग में, अगर कैल्शियम भी आता है इसमें, ओके इसमें दो प्रोटीन भी, फाइब्रोनोजोन और फाइब्रोथ्रोम्बिन,
इस टाइप से दो क्या बोलते हैं प्रोटीन भी यूज़ में आता है, तो ये अपने ब्लड प्रोटीन में यूज़ में आता है। करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता होगा ओम्स लॉ, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेट किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था, कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया था ये वाला, इस बार वाला फीफा, तो वो किया था रशिया ने, जिसमें क्रोएशिया हारी थी, फ्रांस जीत गई थी। ओके, इसी आगे क्वेश्चन तीन अपने पास में सीरीज़ के थे, तीन क्वेश्चन आपने आपके पेपर में सीटिंग अरेंजमेंट के दो क्वेश्चन आ रखे थे, एलसीएम का एक क्वेश्चन आ रखा था, रेशियन प्रोपोर्शन के भी तीन क्वेश्चन थे, दिल्ली एडेड एज कैपिटल ड्यूरिंग विच अमेंडमेंट, तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। तो 69th अमेंडमेंट के अंदर में दिल्ली को कोलकाता से शिफ्ट करके न्यू कैपिटल बनाया गया था दिल्ली एनसीआर को। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस थे, और भी कई क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अभी तक हमारे को नहीं भेजे हैं, तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए, जहाँ पर आप आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पर्सन को सारे क्वेश्चन याद हो ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अलग अलग कैंडिडेट्स को याद होंगे, तो डेफिनेटली आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं शेयर करके अपने एक्सपीरियंस। और आपका पेपर कैसा हुआ, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 100 आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और आपको क्या लग रहा है कितने क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आप हमारे को कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे को बता भी सकते हैं, और हमने कई सारी वीडियो है जो आरआरबी से रिगार्डिंग कट ऑफ के रिगार्डिंग डाल रखी है, जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट एज वेल एज वीडियोस बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आपको हमारी सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए, ज़्यादा अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की और भी बेहतरीन वीडियो आपके पास में सबसे पहले आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।